हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं, इनवॉल्यूट ऑफ सर्कल का। इनवॉल्यूट ऑफ स्क्वायर हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंस्ट्रक्ट करके देख लिया है। आज सर्कल का इनवॉल्यूट हम बनाते हैं। प्रॉब्लम ये है, ड्रॉ द इनवॉल्यूट ऑफ अ सर्कल ऑफ 40 mm डायमीटर व्हेन द स्ट्रिंग इज बाउंड ऑन इट फॉर 1 टर्न। स्ट्रिंग को हमें बाइंडिंग करना है सर्कल के ऊपर, और उस वक्त कैसा कर्व मिलेगा वो कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। आइए। हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 20 mm रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो हमें प्रॉब्लम में दिया है 40 mm डायमीटर का सर्कल, जिसका हमें इनवॉल्यूट ड्रॉ करना है। तो 20 mm रेडियस मैं कंपास से सेट कर रहा हूँ, और उतनी रेडियस लेके हम सर्कल ड्रॉ करने वाले। तो कोई एक सेंटर ले लेते हैं, और सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दिए। अभी सर्कल के हम इक्वल डिविजन्स कर देते हैं। हम 8 और 12 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एट प्रेजेंट मैं सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर में से ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर वैसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से बाकी डिविजन्स फाइंड कर देते हैं। 45 डिग्री एंगल, 90 तो है, देन ये 135। और वैसे जब ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट्स को, ये और सेंटर, तो एक डिवीजन ये बनेगा और दूसरा डिवीजन ये सेंटर, तो वैसे सर्कल के हमने 8 पार्ट कर दिए। 45 डिग्री एंगल का एक डिवीजन बना। अभी सर्कल पर जो स्ट्रिंग है उसको हमें बाइंडिंग करनी है। तो समझो कि ये ओरिजिनल पॉइंट है, तो यहां से वाइंडिंग करेंगे तो जो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो स्ट्रिंग की लेंथ होनी चाहिए सर्कल का जितना सरकमफरेंस है, पाई डी। तो पहले पाई डी कैलकुलेट करते हैं, और पाई डी आता है, कैलकुलेटर से हमने कैलकुलेट किया तो 125.6। तो 125.6 की एक लाइन हम ये पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये पॉइंट से, डायमेंशन हम मेजर करते हैं यहां से 125.6। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125.6 ये पॉइंट आएगा। तो एक्सेस जो लेंथ है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ये पॉइंट जो है वो 125.6 हुआ। अभी यहां नंबरिंग कर देते हैं। ये सेंटर का, ये सर्कल का जो सेंटर है उसको हम सी कहेंगे। ये पॉइंट हमारा 1, ये पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये जो 8 डिविजन्स हमने सर्कल के किए, उतने ही 8 डिविजन्स, इक्वल डिविजन्स हमें ये स्ट्रिंग की जो लेंथ बनी है उसके भी करने हैं। तो वो डिवीजन हम कैसे करेंगे? हमें मेथड पता है कि कोई एक एंगल पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए,
जैसे मैंने कोई एक एंगल बना दिया और उस पर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अभी उस पर मैं मेरे कंपास से कोई सुटेबल रेडियस ले रहा हूं और 8 डिविजन्स कर रहा हूं। लाइक ये मेरा पहला कॉमन पॉइंट, ये फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ डिवीजन, ये सेवंथ, और यहां मुझे 8th डिवीजन मिलेगा। मैं लाइन को, यही लाइन को थोड़ी एक्सटेंड कर रहा हूं तो मुझे 8th डिवीजन वाला पॉइंट मिलेगा। तो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लास्ट जो पार्ट है पॉइंट नंबर 8, उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, और फिर उसको पैरेलल हम सभी लाइन में से ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो भी 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो यहां जो पॉइंट मिला वो 1, ये 2, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है, ये 5, 6, 7 और 8। अगर मुझे यहां पॉइंट का नोटेशन करना है तो ये 1 डैश है, 2 डैश है, ये 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश और 8 डैश। तो ये जो 8 पार्ट्स हुए वो हमारा सेकंड स्टेप। अभी सर्कल के जितने भी नंबरिंग हमने किए पॉइंट्स 1 से लेके 8 तक, सभी पॉइंट्स में से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, उस पॉइंट पर बनता हुआ टेंजेंट। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए पॉइंट नंबर 1 जो है, ये पॉइंट 1, तो उस पर टेंजेंट यहां आएगा। फिर 2 90 डिग्री पर ले रहे हैं, ये 2 पॉइंट के लिए टेंजेंट बनेगा। तो हम ड्रॉ करते हैं ये पॉइंट नंबर 1 में से बना हुआ टेंजेंट। फिर पॉइंट नंबर 2 में से बना हुआ टेंजेंट जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर है, वैसे हर पॉइंट में से हम टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं 3। तो 3 जो पॉइंट है उसमें से टेंजेंट, फिर 4, फोर में से टेंजेंट, फिर 5। तो जो 5 नंबर का पॉइंट है उस, वैसे 6 नंबर का जो पॉइंट है उसमें से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, 7th वाला, 8th तो खुद है। तो 8 पॉइंट में से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अभी कैसे लाइन को कट करना है, जैसे हम स्ट्रिंग को, ये पॉइंट को फिक्स है और ऐसे वाइंडिंग करते हैं तो सबसे पहले यहां पर आएगा, तो उस वक्त रेडियस कितनी कम होगी या उसकी लेंथ कितनी कम होगी, 1 कंपोनेंट 1 पार्ट जितनी। तो 1 पार्ट मींस हमें सबसे पहले 1 से लेके 8 तक की रेडियस सेट करनी है, देखिए, और सेंटर मुझे लेना है पॉइंट 1 नंबर 1। तो 1 और ये पॉइंट को कट करना है।
दूसरी बार 2 से, क्योंकि एक एक सेगमेंट रेडियस कम होगी, तो 2 पॉइंट लेना है, 2 और 8 के बीच का रेडियस। तो 2 और 8 के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस होगा, ये पॉइंट कट करेंगे। वैसे 3 और 8 के बीच का डिस्टेंस, 3 और 8, सेंटर हमारा होगा 3, और ये पॉइंट को कट करेंगे। नेक्स्ट रेडियस इज 4 to 8, 4 पॉइंट हमारा सेंटर बनेगा, और इसको कट करेंगे। नेक्स्ट रेडियस इज 5 to 8, 5 8, और 5 हमारा सेंटर बनेगा, इसको कट करेंगे। तो ग्रेजुअली स्ट्रिंग की लेंथ कम होती जा रही है। 6 और 8 के बीच का डिस्टेंस इज नेक्स्ट रेडियस, 6 हमारा सेंटर, और ये लाइन को कट करेंगे। और लास्ट सेगमेंट जो है 7 और 8 के बीच का डिस्टेंस, और 7 रेडियस लेंगे, 7 को सेंटर लेंगे, और ये रेडियस को कट करेंगे। और लास्ट पॉइंट तो खुद पॉइंट नंबर 8 है। तो ये जो पॉइंट मिला, सबसे पहला पॉइंट, वो हमारे लिए P1, ये पॉइंट मिला वो P2, ये पॉइंट मिला वो P3, दिस पॉइंट इज P4, ये पॉइंट इंटरसेक्शन से मिला वो P5, ये पॉइंट P6, ये पॉइंट P7, और लास्ट पॉइंट जहां मर्ज होता है वो P8। तो 8 पॉइंट्स हमें मिल गए। ये सभी पॉइंट्स को हमें स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है। तो ये सभी पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करके आपको कर्व दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया फ्री हैंड से, और ये जो कर्व मिला उस कर्व को हम इन्वोल्यूट कहते हैं। तो कर्व का नाम हम दिखा रहे हैं, दिस कर्व इज नोन एज इन्वोल्यूट, इट इज इन्वॉल्यूट। अभी ए इन्वॉल्यूट में हमें नॉर्मल टेंजेंट भी कोई एक पॉइंट पर दिखाने हैं। तो रैंडमली कोई एक पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज एम, और उस पॉइंट पर हमें नॉर्मल और टेंजेंट दिखाने हैं। तो करना क्या है, ये जो एम पॉइंट है उस एम पॉइंट को हमारे सेंटर जो सर्कल था उसका जो सेंटर था उस सेंटर के साथ जोड़ दीजिए। देखिए, इट इज जॉइन हियर, अभी एम और सी को मैंने जॉइन कर दिया। तो उसकी जो लेंथ है उसका मिडिल पॉइंट डिसाइड कर दीजिए। तो ये लेंथ हम मेजर करते हैं कितनी है, वन जीरो सिक्स एमएम, और उसका सेंटर मींस 53, 106। तो ये पॉइंट सेंटर पॉइंट मिला, उस सेंटर से उतनी रेडियस लेके हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये सेंटर मिल गया, अभी ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेमी सर्कल जो हमारा ओरिजिनल सर्कल था उसको कहीं इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट को हम कहते हैं एन। और ये एन और हमारा जो पहले था वो एम, एन और एम को जब आप ज्वाइन करते हैं ऐसे, मैं कोई और पेन से ज्वाइन करता हूं, एन और एम, देखिए एम पॉइंट
और यहाँ एन पॉइंट, ये दोनों को मैंने ज्वाइन किया तो एक लाइन मिलेगी, ये लाइन हमें नॉर्मल देने वाली है, एन एन डैश, ये पॉइंट एन है और एन डैश, तो एन एन डैश जो लाइन मिली वो नॉर्मल हो गई, और नॉर्मल मिला तो टेंजेंट फाइंड करना आसान है, 90 डिग्री पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एम पॉइंट में से, वो हमें टेंजेंट देने वाली है, तो ये पॉइंट और एम पॉइंट ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, दिस लाइन इज टेंजेंट टी टी डैश, तो इनवॉल्यूट ऑफ सर्कल भी कंप्लीट हो गया और साथ में हमने नॉर्मल और टेंजेंट भी दिखा दिए, और ओरिजिनल डायमेंशन अगर दिखाने की बात है तो ओरिजिनल डायमेंशन में तो एक ही डायमेंशन हमें दिया था और वो था डायमीटर ऑफ सर्कल, तो डायमीटर ऑफ सर्कल को मैं यहीं एरो से दिखा रहा हूं, ये डायमीटर ऑफ सर्कल इज 40 mm, ये 40 mm, तो इस तरह से इनवॉल्यूट ऑफ सर्कल कंप्लीट हो गया। अभी इसमें क्वेश्चन बनता है, समझो कि ये केस तो वाइंडिंग का है, ग्रेजुअली द स्ट्रिंग इज वाउंड और उसकी वजह से लेंथ कम होती जा रही है, कई बार स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होता है कि सर अनवाइंडिंग है तो क्या करना है, तो अनवाइंडिंग में प्रोसेस या प्रोसीजर सेम रहेगी, सबसे पहले आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, लेकिन सर्कल का नंबरिंग ये साइड से होगा, पहला नंबर यहाँ 1 आएगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और वैसे एक ग्रेजुअली आप स्ट्रिंग को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ से स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी और फाइनल पॉइंट हमें मिलेगा, तो हर जगह टेंजेंट ड्रॉ करना, फिर उतनी रेडियस लेके कट करना है, तो आई होप आपको ये सभी स्टेप्स समझ में आए होंगे और आप खुद भी ड्रॉ करके देख लीजिए, कहीं कोई क्वेरी या डिफिकल्टी तो नहीं है, डिफिकल्टी है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आई विल हेल्प यू श्योरली, और आगे आने वाले वीडियो में कोई और टिपिकल प्रॉब्लम हम इंजीनियरिंग का उसका लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।